हेलो दोस्तों, तो चलिए आज लेक्चर में देखते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन वन लाइनर में, इनके क्वेश्चन देखते हैं उनके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी? तो याद रखिए 29%। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रेता बाजार क्या होता है? तो याद रखिए ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। अगला है हमारा अंकड़ा टाड नाइन का आयोजन कहाँ किया गया? मेडरैंड में, दक्षिण अफ्रीका। अगला है योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो याद रखिए चयनित आधारभूत उद्योग। अगला है भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? याद रखिए घरेलू क्षेत्र का। अगला है इंडिया इज फोर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिए चित्रा सुब्रमण्यम ने। अगला है दक्षेस की स्थापना हुई 1985 में। अगला है स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिए जनसंख्या नीति। अगला है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना हुई? तो याद रखिए 20 मार्च 1985 में। अगला है भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिए बिहार। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो याद रखिए कृषि एवं सिंचाई। अगला है भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो याद रखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में, टिस्को की स्थापना 1907 में। अगला है भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न होता है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। अगला है भारत के किस राज्य में साक्षरता दर प्रतिशत सबसे अधिक है? तो याद रखिए केरल में। अगला है भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में। अगला है भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? उड़ीसा में। अगला है भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। अगला है योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय अर्थ आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है? तो याद रखिए प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। अगला है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू हुई? तो याद रखिए 17 सितंबर 1997। अगला है हमारा नंजुन दप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से? तो याद रखिए रेल भाड़ा विषय से। अगला है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है? तो याद रखिए मनीला फिलीपींस में। अगला है भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दान दाता है? तो याद रखिए जापान। अगला है WWF का क्या अर्थ है? तो याद रखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अगला हमारा नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? तो याद रखिए बैंक। अगला है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो याद रखिए राज समिति ने। क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है? नहीं। अगला है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? तो याद रखिए 1978 से 1979। अगला है भारतीय नियोजन किस सूची का विषय है? तो याद रखिए संबलतु सूची। अगला है कपार्ट का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कपार्ट का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। अगला है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सीबी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए 1988 में। अगला है ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो याद रखिए मुद्रा के विचलन से।
अगला है निक्की क्या है, तो याद रखिए टोकियो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। अगला है भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1982। अगला है आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है, तो याद रखिए स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अनैतिक ऊंचे मूल्य पर बेचने की प्रक्रिया। अगला है बीएन युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। अगला है प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया, तो यह जेवी से। अगला है उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत। अगला है हमारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 में हुई है WTO की, इसमें 164 देश मेंबर हैं। ठीक है, अगला है हमारा भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है, तो याद रखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अगला है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो विकासशील। अगला है भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला है केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है, तो वित्त आयोग। अगला है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो के सुब्बा राव, ये पुरान वर्तमान में है अजीत पटेल थे, याद रखिए उर्जित पटेल के बाद शशिकांत दास बने हैं, अभी 2019 में शशिकांत हैं। ठीक है, अगला है मुद्रा के अवमूलन का क्या अर्थ है, तो ये याद रखिए अन्य मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा में कमी, मुद्रा के मूल्य में कमी। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में। अगला है बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है, आयात निर्यात की अनुपस्थिति। अगला है उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी, तो द्वितीय योजना। अगला है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई, तो याद रखे राकेश मोहन समिति। अगला है एक कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने व एवं वसूलने करने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। अगला है इलास्टिक मनी क्या है, तो क्रेडिट कार्ड। अगला है आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, लघु उद्योग क्षेत्र से। अगला है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है, तो याद रखिए बालिका शिक्षा से। अगला है आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो ये बीमा क्षेत्र से संबंधित। अगला है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो याद रखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला है भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था, 1950 में। अगला है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई, तो याद रखिए तृतीय में। अगला है दूध के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का तो पहला। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC में। अगला है हमारा ओपे का मुख्यालय वेना में, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। अगला है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया, तो याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पहरी माना जाता है, तो याद रखिए WTO या विश्व व्यापार संगठन को। अगला है भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC का किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय करने की योजना विलय की योजना है, तो हिंदू मजदूर सभा। अगला है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में है, तो शिमला में।
अगला है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ष के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया? वे विकलांग वर्ग के कल्याण पर, तो विकलांग वर्ग के। अगला है, अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। अगला, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला है, मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस उद्योग घराने का आधिपत्य है? तो याद रखिए बिड़ला घराने का। अगला है, हरा सोना किसे कहते हैं? चाय को। अगला है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? अभिदत्त पूंजी पर। अगला है, भारत ने पहली बार बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? 19 जुलाई 1969 को। अगला है, भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो याद रखिए एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समय अवधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण। अगला है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? तो याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है, भारत के किस राज्य में औसतन वार्षिक आय न्यूनतम आकी गई? तो याद रखिए बिहार में। अगला है, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य? तो याद रखिए केंद्रीय करों में राज्यों के भार तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। अगला है, क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट छापता है? नहीं। अगला है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? सोवियत संघ के। अगला है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? गेहूं का। अगला है, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 को। अगला है, जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच के लिए। अगला है, केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 1963 में। अगला, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई? 1957 में। अगला, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? दिसंबर 1966 में। अगला, ट्राइटेम का सूत्रपात एक केंद्रीय फिर आयोजित योजना के रूप में कब किया गया? तो याद रखिए 15 अगस्त 1979 में। अगला है, पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। अगला है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 को। अगला है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। अगला है, हमारा स्टैगफ्लेशन क्या है? तो याद रखिए मंदी के साथ मुद्रास्फीति। अगला है, दूलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? याद रखिए जम्मू कश्मीर की। अगला है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई? अगस्त 1996 में। अगला है, हमारा ऑटो रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे में। अगला है, नाफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? कृषि उपजों के विपणन के लिए। अगला है, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। अगला है, ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? 1987 में। अगला है, निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों में शामिल किया गया? तो याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? तो याद रखिए 1 जनवरी 1982। अगला है, हमारा स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से? नगरीय क्षेत्र से। अगला है, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है? तो याद रखिए सूती वस्त्र उद्योग। अगला है, ट्राइटेम क्या है? तो याद रखिए ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम। अगला है, हमारा 1934 में लिखी गई पुस्तक फिनलैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं सर एम विश्वेश्वरैया। बढ़िया जीव नाम। अगला है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय है बैंकॉक में। अगला है, भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? तो याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन।
भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? 1969 में। अगला है विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो याद रखिए अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। अगला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है न्यावा सेवा। अगला है पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस एस्क का लदान किया जाता है? लोहे एस्क। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगला राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तृतीय योजना। अगला है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 20 मार्च 1985। अगला है देश की प्रथम डिपोजिटरी द नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई? 8 नवंबर 1996। अगला 1956 को औद्योगिक नीति में आबा एवं सा तीन वर्गों में उद्योग को वर्गीकृत किया गया। कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए था? तो वर्ग सा। अगला है आधारित संरचना वित्त कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में। अगला है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? 8वीं योजना में। अगला है मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया? नीली क्रांति। अगला है पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला है गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? झींगा मछली। अगला है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के समुद्र तट से दूर है समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक। अगला है हमारा सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किया जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोचीन में। अगला योजना एक वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? मोटेक सिंह आहलूवालिया। याद रखिए योजना एक को खत्म कर दिया गया 2019 की बात कर रहा हूँ, इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया है। तो अब 2019 में योजना आयोग नीचे रहा अस्तित्व में, ठीक है। अगला है भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। अगला है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सेवा रामन समिति। अगला है भारत में 1 रुपए के नोट किसके पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। अगला है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है ICICI। अगला है ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? प्रधानमंत्री ये अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा। अगला है DDT DDP का संबंध है मरुस्थल विकास कार्यक्रम से। अगला है संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम का कब प्रारंभ? 1972-73 में। अगला है विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति की समता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला है वंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात व्यापार न हो। अगला है भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में मेयो के काल में, नियमित हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से, ठीक है। अगला है भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा कब की? 6 अगस्त 1991 में। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस मनाया जाता है किंद? तो याद रखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य है? याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? तो 22 अक्टूबर 1962। अगला है देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश। अगला है भारत में वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीयता लागू होती है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर? अगला है समाधान योजना का संबंध है कर विवाद से। अगला है विजन 2000 किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन एवं विकास के लिए की गई योजना है? तमिलनाडु।
अगला है वीकॉन 98 क्या था, तो बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। अगला हमारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या था, छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सम्मेलन की देन है, तो याद रखिए वेटन बोर्ड सम्मेलन की। अगला है शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य, तो बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना।